आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस का जो एडमिशन है वो बीए, बीएससी और बीकॉम में बंद हो चुका है। बंद होने का मतलब ये है कि मैक्सिमम सीटों पे एडमिशन भी हो चुका है। मैक्सिमम सीटों का एडमिशन का मतलब ये है कि 30 सितंबर को रात को 9 बजे तक का जो डाटा था वह मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। आपको ये जानकारी होगी, आपको ये सूचना भी होगी कि अब मैक्सिमम सीटों पे एडमिशन क्लोज्ड हो चुके हैं। जहाँ पे बीए में 1300-1400 सीटें खाली थी, वहाँ पे अब बीए में कुल मिलाकर के 3850 यानी कि 3850 एडमिशन तक कंप्लीट हो चुके हैं। इसका मतलब ये कि ज़्यादा सीटें बीए में खाली नहीं, और अब खाली हैं तो जो कॉम्बिनेशन अच्छे नहीं बचे उनकी ही सीटें लगभग खाली रहती है। हमेशा हर साल 4200 एडमिशन होते थे, 4200 इतने एडमिशन होते थे, इस बार 3850 एडमिशन हुए हैं, तो संख्या बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। हम पूरे डाटा बताएंगे आपको, और अभी प्रोफेशनल कोर्सेज को एडमिशन है वो चलेंगे 5 तारीख तक, यानी कि BLLB जो भी प्रोफेशनल कोर्सेज उनके एडमिशन 5 तारीख तक अभी चलेंगे, तो उनकी कट ऑफ आती रहेगी। जो भी प्रोफेशनल कोर्सेज के विद्यार्थी वो ध्यान देंगे, बाकी बीए, बीएससी और बीकॉम की क्लासेज अब चलेंगी और इसका एडमिशन अब क्लोज हो चुका है, यानी कोई भी कट ऑफ आने की कोई भी संभावना नहीं है। आगे जैसे होगा सूचना हम आपको बताएंगे। बीए कोर्स में देखिए जितनी सीटें थी उससे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो गया थे, इस वजह से मामला यहाँ पे क्लोज करना पड़ा। कुल मिलाकर के 3830 एडमिशन क्लोज हो चुके हैं, यानी कि इतने एडमिशन हुए हैं, 3850 एडमिशन भी कम नहीं होते, बहुत एडमिशन मेन कैंपस में हुए हैं। बीकॉम में 713 एडमिशन यानी 713 एडमिशन हुए हैं, अब इसमें 9 सीटें बची हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये रहती है कि एक ही सीट पर कई लोगों की दावेदारी रहती है, तो एकाध नंबर गिरा के कोई मतलब नहीं। यहाँ पर भी एडमिशन क्लोज है, यानी कि अब 713 एडमिशन बीकॉम में मेन कैंपस ऑफ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हुए हैं। बीएससी 12 में कुल मिलाकर के 339 सीटों पर एडमिशन हो गया है, यानी कि अभी भी 7 विद्यार्थियों की फ़ीस नहीं पेड है, यानी कि इसमें पूरी सीटें भरी गई हैं। बीएससी 12 में बहुत शानदार एडमिशन हुए हैं इसमें, तो यहाँ पर पूरी तरीके से सीटें फुल हैं बीएससी 12 में। बीएससी मैथमेटिक्स में कुल मिलाकर के 720 बच्चों को अलॉटमेंट किया गया है, लेकिन जो फीस जमा करने वाले बच्चे हैं वो कुल मिलाकर के 696 बच्चे, यानी लगभग 700 विद्यार्थियों का पूरा ओवरऑल फाइनल हो चुका है। यहाँ पर भी मैक्सिमम सीटों पे एडमिशन हुए हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कैंपस में। तो ये पूरा डाटा था जिनका एडमिशन अब संभवतः क्लोज हो चुका है। इसके बाद 5 ईयर इन्वायरमेंटल डिजास्टर मैनेजमेंट में एक भी एडमिशन नहीं हुआ है। 5 ईयर बीएससी एमएससी कम्युनिटी फैमिली साइंस में कुल मिलाकर के 7 एडमिशन हुए, यानी 7 एडमिशन हुए हैं। बीबीए एमबीए में इंटीग्रेटेड कोर्स में 40 सीटों में 19 एडमिशन हुए हैं, यानी 19 विद्यार्थियों ने अपनी फ़ीस को पेमेंट किया है। बीएलएलबी ऑनर्स में 116 एडमिशन हुए, यानी कि इसकी कट ऑफ अभी और आएगी, 116 एडमिशन इन बीएलएलबी कोर्स मेन कैंपस। बीएफए में 74 एडमिशन हुए हैं और अभी भी फ़ीस पेमेंट बच्चे कर रहे हैं, तो इसके भी कट ऑफ आने की संभावना बहुत कम है। बीपीए में सभी को बुलाया गया था, जिसमें कि 35 एडमिशन अभी तक कंप्लीट हुए हैं, 3 बच्चों का फीस अभी पेंडिंग में है। इसके बाद फिर हम बात करते हैं डाटा साइंस में। BCMCA में 37 एडमिशन हुए हैं, BA फैशन डिजाइनिंग टेक्नोलॉजी में 38 एडमिशन हुए हैं, BA मीडिया स्टडीज में 43 यानी 43 एडमिशन हुए हैं, BCA में 89 एडमिशन हुए हैं, बीवॉक में 32 एडमिशन कंप्लीट हुए हैं, नहीं माफ़ कीजिएगा, बीवॉक में 49 एडमिशन कंप्लीट हुए हैं, 32 हुए हैं, 49 हुए हैं शायद। उसके बाद बीवॉक मीडिया प्रोडक्शन में 14 है और बीवॉक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में 25 है। तो ये पूरा डाटा है। तो बीए, बीएससी, बीकॉम वाले, ये सूचना थी आपकी कि आपकी मैक्सिमम सीटों पे एडमिशन मेन कैंपस में होगी। अब आपके पास चारा है कि ISDC लास्ट कट ऑफ SPM बचा हुआ है, ADC बचा हुआ है, CMP बचा हुआ है, यही आपके पास चारा है, यहाँ पर देखिए, वरना एडमिशन अब क्लोज हो जाएंगे। ये मेन कैंपस की सूचना थी। आप ये मत सोचिएगा कि एडमिशन हुए नहीं, सीटें खाली कल थी लेकिन आज मैक्सिमम सीटों का अलॉटमेंट हो गया है, तो ज़्यादा सीटें नहीं खाली हैं। अपने स्तर से विश्वविद्यालय ने बहुत शानदार एडमिशन को करवाया है, बहुत जल्दी, इतना लेट शुरू हुआ था और इतनी जल्दी ख़त्म होने पे बहुत शानदार तरीके से एडमिशन की प्रक्रिया ख़त्म हुई है। इसके लिए प्रशासन को भी धन्यवाद, कैसे भी करके उन्होंने बहुत तेज़ी से काम किया और आप सबकी क्लासेज भी अब प्रॉपर तरीके से स्टार्ट हो जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।